सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। अब इन्फ्लोरेसेंस हमारा होता क्या जाता है, इसे हम जानेंगे। आज का हमारा ये चौथा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमने लीफ को कवर किया हुआ है, स्टेम को कवर किया हुआ है और हमने रूट को भी कवर किया हुआ है। तो इससे पहले हमने तीन लेक्चर बना दिए हैं। इससे जो तीसरा लेक्चर है उसका लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे की तरफ, लेकिन बाकी जो प्लेलिस्ट है इसका आई सेक्शन में ऊपर की तरफ मिल जाएगा, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन कवर करने वाले हैं और जो नीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे पास है ना उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास एटलीस्ट 6 क्वेश्चन आएंगे, हम 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, इस लेक्चर को यानी इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें, एक एक पॉइंट आपको समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। 5.4 आज का हमारा चौथा लेक्चर है द इनफ्लोरेसेंस के बारे में। अब इनफ्लोरेसेंस, अब इनफ्लोरेसेंस नाम ही आ रहा है, इनफ्लोरेसेंस यानी कुछ ना कुछ फ्लावर से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात होगी, सीधी बात है। तो ए फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। अब सूट कौन सी बात, रूट के ऊपर वाला पार्ट सूट होता है। वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोर मेरिस्टेम। अब फ्लोर क्या होता है, फ्लोर यानी कि हमारे पास फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, फ्लोर से ही कहते हैं हमारे पास। मेरिस्टेम यानी ऊपर की तरफ होता है हमारे पास। तो इंटरनोड्स होता है, अब इंटरनोड्स क्या होता था हमने पढ़ा था, दो इन नोड्स की दूरी को हम इंटरनोड्स कहते हैं। तो इंटरनोड्स इसमें इलोंगेट नहीं होता है एंड क्या होता है, ये हमारे पास कंडेंस फॉर्म में रह जाता है। एंड दे अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोर पर। इसका जो अपेक्स यानी ऊपर वाला जो पोर्सन होता है ना, ऊपर वाला टिप वाला पोर्सन, ये क्या करता है, अलग अलग टाइप्स के हमारे पास अपेंडिसेस निकालते हैं साइड साइड से। तो सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। अब सॉलिटरी का मतलब हमारे पास क्या होता है, सॉलिटरी का मतलब हमारे पास होता है, मतलब अरेंजमेंट की मेनली बात करते हैं। तो इट इज ऑलवेज सॉलिटरी हमारे पास होता है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोर एक्सिस टर्म। अब देखो फ्लावर के अरेंजमेंट जो एक्सिस पे होता है उसी को क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। इस चीज को हमें ध्यान रख लेना है। अब हम आते हैं यहाँ पे, हमारे पास अब इनफ्लोरेसेंस दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास मेनली, कौन कौन से, एक रेस्मोस होता है एक सैमोस होता है। ठीक है, रेस्मोस में हमारे पास क्या होता है, रेस्मोस में हमारे पास क्या होता है, इनडेफिनेट हमारे पास क्या चलता रहता है, इनडेफिनेट हमारे पास हर चीज चलता रहता है। यानी अगर कहें तो इसका ना हमारे पास जो ग्रोथ होता है इनडेफिनेट होता है। ठीक है, इसका इनडेफिनेट ग्रोथ होता है हमारे पास, सीधी बात है। और हमारे पास साइमोज में वही क्या होता है, डेफिनेट रहता है। फिर रेस्मोज में हमारे पास, इसमें अगर अरेंजमेंट देखा जाए तो इसमें एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंजमेंट रहता है। एक्रोपिटल ऑर्डर कहें जो ओल्ड वाले जो फ्लावर होते हैं नीचे की तरफ और नए वाले फ्लावर ऊपर की तरफ दिखते हैं हमें मेनली, इसमें हम अभी देखेंगे। और साइमोज में ठीक उसका उल्टा है, इन्हें ओल्ड वाले ऊपर दिखते हैं, न्यू वाले हमें नीचे देखते हैं। और इसके अपेक्स वाले पोर्सन पे भी हमारे पास रेस्मोज में एक फ्लावर दिख जाता है, लेकिन इसमें साइमोज में तो मेनली नहीं दिखता है। ठीक है, अब मोनोपीडल होता है हमारा, मोनोपोडियल कह दो मोनोपीडल कह दो, ये रेस्मोज में होता है हमारा, हमारे पास इसमें होता है मेनली। और इसमें हमारे पास सिम्पोडल होता है, उसमें किसमें हमारे पास, साइमोज में। तो कुछ हमारे पास डिफरेंस हो जाते हैं, उस चीज़ को हम देखने वाले हैं यहाँ पे, यहाँ पे पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे। तो डिपेंडिंग यहाँ पे लिखे हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट डेवलप इनटू फ्लावर और कंटिन्यूस ग्रो। तो क्या होता है, डिपेंड करता है एपेक्स पे कि वो डेवलप हो रहा है फ्लावर पे और कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है। तो दो मेजर हमारे पास टाइप्स होते हैं इसके, रेस्मोस और साइमोस। अब रेस्मोस को पहले पढ़ लेते हैं। रेस्मोस टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस मेन एक्सिस कंटिन्यू। अब इसका मेन एक्सिस क्या होता है, कंटिन्यूस ग्रो करता है, यानी ग्रो करता ही रहता है, यानी इनडेफिनेट हमारे पास क्या करता रहता है, इसका ग्रो करता रहता है। उसमें हमारे पास साइमोस में डेफिनेट एक फिक्स होता है, इसमें लगातार ग्रो करता रहता है। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे ग्रो कर ही रहा है, लगातार ग्रो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब द फ्लावर इज बॉर्न लेटरली, लेटरली देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पे अगर मेनली देखे जाए तो ऐसे ऐसे अरेंजमेंट होते हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे यहाँ पे हमें छोटे छोटे ऐसे दिख जाएंगे हमारे पास, क्या होता है ये हमारे पास नए नए ऊपर निकलेंगे। अब पुराने वाले यहाँ पे हमें मेनली दिख जाएंगे, तो आप इसमें देख सकते हो पुराने हमारे पास नए नए वाले टिप वाले पोजिशन पे हमारे पास, इन पुराने वाले नीचे वाले पोजिशन पे हमें दिख जाते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। और एक्रोपिटल ऑर्डर में मिल जाता है हमारे पास, एक्रोपिटल ऑर्डर इसी ऑर्डर को कहते हैं कि हमारे पास नए वाले ऊपर की साइड मिलते हैं ऊपर की तरफ और पुराने वाले नीचे की तरफ इधर मिल जाते हैं हमारे पास। और हमारे पास मोनोपीडल होता है और ये सेंट्रीपीडल ऑर्डर हमारे पास सेंट्रीपीडल ऑर्डर में रहता है मेनली अगर कहा जाए तो, ये चीज़ हमें देखने को मिल जाता है। तो इस चीज़ को हमें अच्छे से ध्यान रखना है और इस चीज़ को हमें क्या करना है, समझना है हमें। ठीक है, इस चीज़ को हमें समझना है। इसके बाद हमारे पास अगर आ जाए
ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्पेकिया। क्या हमारे पास ये हमारे पास हो गया, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं और आए हुए हैं, अभी हम देखने वाले। सैमोज की बात करते हैं, सैमोज में हमारे पास क्या आता है, मेन एक्सिस क्या करता है, टर्मिनेट करता है, यानी कि इसमें जो ग्रोथ होती है ना लिमिटेड होती है, यानी कि डेफिनेट तक एक मतलब लिमिट तक ही ग्रोथ होती है, लगातार ग्रो नहीं करता, यहाँ लिखा भी है लिमिटेड ग्रोथ होती है इसमें, ये चीज़ ध्यान रखना है। और हमारे पास ये बेसिपिटल ऑर्डर, बेसिपिटल ऑर्डर होता है यानी बॉर्ने, इसमें मेनली देखा जाए तो हमारे पास इसका अगर देखा जाए तो मेनली हमारे पास ऐसे होता है, यानी इसमें हमारे पास नए वाले नीचे की तरफ होते हैं, हमारे पास नए वाले नीचे की तरफ होंगे, ओल्ड वाले ऊपर की तरफ होंगे, मेनली ओल्ड वाले ऐसे गए तो ऊपर की तरफ हो जाते हैं, इसी को कहते हैं ये सेंट्रीफ्यूगल होते हैं, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल में रहते हैं, हमारे पास सेंट्रीपिटल, ये हमारे पास किस में होते हैं सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल होता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ से हमें देख लेना चाहिए। इसका भी डायग्राम हमारे पास नीचे में दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओल्ड वाले हमारे पास ऊपर की तरफ जाएंगे और नए वाले हमारे पास कहाँ दिख रहे हैं, नीचे की तरफ, इसी को कहते हैं हम क्या बेसिपिटल ऑर्डर कह देते हैं। इसमें हमारे पास ग्रोथ भी क्या आती है लिमिटेड रहती है, ये चीज देख लेना है हमें, ठीक है। इसके बाद हम आगे इसमें है, ये चीज हमारा टॉपिक खत्म होता है, तो यहाँ पे हमें इस डायग्राम को सहित इस साइमोज रेसमोज को अच्छे से देख लेना चाहिए, ये इतना ही होता है मेरे। फिर आगे हम इसके कुछ क्वेश्चंस जो नीट के हो जाते हैं, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा हो तो ऐसे मैं कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, देख लेना, ठीक है। इसके हम आगे मेनली क्वेश्चन पे चले जाते हैं, अब क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुछ, इसलिए हमारे पास अब देखो यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस रिलेटेड हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस रिलेटेड हमारे पास 6 क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि इन्फ्लोरेसेंस इन रेसमोज। अब रेसमोज में क्या आता है, अब लोगों को पता है कि रेसमोज में हमारे पास अनलिमिटेड अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, यानी कि कोई डेफिनेट मतलब फिक्स ग्रोथ नहीं होता, लगातार होता ही रहता है ग्रोथ। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल पूछा है, हमारे पास एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है लेकिन एग्जांपल हमें पता होना चाहिए, तो हमारे पास एग्जांपल आते हैं। अब देखो किस में होते हैं, आप लोगों ने मेनली इसके फ्लावर्स तो देखे ही होंगे, ब्रिंजल के, ट्यूलिप के, एलो के, सोयाबीन के हमारे पास, ब्रिंजल के तो मोस्ट कॉमन होता है, ट्यूलिप भी फ्लावर देखा होगा, एलोवेरा का भी देखा होगा, सोयाबीन का मेनली मोस्ट कम देखा होगा मेनली, लेकिन देखा होगा। इससे क्वेश्चन आते हैं लेकिन कम आते हैं थोड़े, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी तैयारी तो पूरी रखनी है, तो इस चीज़ का हमें देख लेना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है ना ये सारे गलत हो जाते हैं, हमारे पास डी ऑप्शन सही हो जाता है, इसमें हमारे पास रेसमोज ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि इसमें इंडेफिनेट हमारे पास ग्रोथ होता ही रहता है। बाकी सारे के सारे कौन से आते हैं हमारे पास, साइमोज हो जाते हैं, ये भी हमारे पास साइमोज में आ गया, हमारे पास ये भी हमारे पास साइमोज में आ गया, तो यानी कि एलिमिनेशन मेथड देखें तो इससे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ देख लो 1, 2, 3 यानी ब्रिंजल, ट्यूलिप और एलो वगैरह हमारे पास क्या हो गया, साइमोज के एग्जांपल, और सोयाबीन जो है हमारे पास किसका एग्जांपल है, रेसमोज का, इसे हमें जरूर देखना चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, इन साइमोज इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस, अब इसमें मेन एक्सिस की बात करें तो मेन एक्सिस साइमोज में क्या होता था, इसमें तो मतलब सैमोज में मेन एक्सिस क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ होती थी मेनली, इसकी बात होती थी, तो हमारे पास लिमिटेड ग्रोथ होता था और इसका टर्मिनेट करता था, उसमें क्या होता था हमारे पास इसमें टर्मिनल पोजीशन होता था, टर्मिनेट कर जाता था क्योंकि रुकावट आ जाती थी, तो एक फिक्स लेवल तक ही इसमें ग्रोथ होती थी, यानी अनलिमिटेड ग्रोथ तो सबसे पहले हो नहीं सकता। ये हमारे पास किसके लिए है, रेसमोज के लिए है। बियर सॉलिटरी फ्लावर, ये तो इन्फ्लोरेसेंस का है, तो ये भी हमारे पास नहीं हो सकता है। हैज अनलिमिटेड ग्रोथ बट लेटर ब्रांचेस एंड द फ्लावर, ये भी नहीं हो सकता हमारे लिए, रेसमोज में चले जाता है। टर्मिनेट करता था हमारे फ्लावर को कौन, साइमोज, तो ये हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है, तो इसे यही हमारा आंसर हो जाता है इसका। अब देख लो साइमोज से कितने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, साइमोज से अभी तक हमारे पास, अब ये देखो तो अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन साइमोज का आएगा, ठीक है। रेसमोज साइमोज यही तो दो टाइप्स, इन्हीं से दो टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। अब साइमोज इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है किस में, आप देखो सोलेनियम पोटैटो फैमिली हो गया, सिस्पेसियम आ गया, ट्राइफोलियम आ गया, ब्रैसिकेसी फैमिली हो गया हमारे पास, ब्रैसिका आ गया, ब्रैसिकेसी फैमिली का होता है हमारे पास। तो हमारे पास मेनली अगर हमने मेनली एनसीईआरटी में इस अब आगे पढ़ेंगे सोलेनियम और ब्रैसिकेसी फैमिली होते हैं, ये दो फैमिली तो हम जनरली पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास देखा जाए तो ब्रैसिकेसी फैमिली तो नहीं हो सकता, पोटैटो फैमिली को अगर देखें तो पोटैटो फैमिली हमारा ऑप्शन हो जाता है किसका, साइमोज, यानी कि इसमें लिमिटेड ही ग्रोथ होती है हमारे पास। अब चौथे पे आ जाते हैं हमारे पास लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड्स होते हैं जो कि प्रोटीडिन एट द एंड ऑफ द यंग कॉप ऑफ द मेल। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, लॉन्ग थ्रेड्स और प्रोटीडिन एंड ऑफ द यंग कॉप। अब कॉप हमारे पास मेज में जो कॉर्न होता है ना उसी को कॉप कहा जाता है, हमारे पास छोटे से हो जाते हैं। अब उसकी बात करा अब उसमें हमारे पास मेज में भी तो मेनली हेयर्स तो दिख देते हैं, एंथर भी दिख जाते हैं। अब मेनली इसमें आ जाता है हमारा ऑप्शन, ये हमारे आउट ऑफ एनसीईआरटी है,
प्रोट्यूड करता है, तो हमारे इसमें सी ऑप्शन हमारे इसका आ जाता है। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है स्टाइल्स का, जब एनसीईआरटी पुरानी वाली थी उससे पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या पता रिपीट हो गया। तो अब हेयर आर फाउंड इन द, अब जियामेज आ जाता है हमारे पास। हेयर आर फाउंड इन इनफ्लोरेसेंस जियामेज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, किसका मॉडिफिकेशन है, स्टाइल का मॉडिफिकेशन ऊपर जैसे क्वेश्चन था। देखो तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास, कुछ क्वेश्चन तो हमें ऐसे ही देखने पड़ेंगे। है पैंथोडोट, देखो इसको मैं बताऊंगा अभी नहीं, एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली अगर हमें देख लेने हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन हमको करने नहीं, हमें फॉलो तो करना है एनसीईआरटी। मैं क्योंकि एनसीईआरटी री नहीं करवा तो मैं एनसीईआरटी को फॉलो करवाऊंगा। एनसीईआरटी का अगर एक्सप्लेनेशन कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसी को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा ऐसे कि मैं करवा तो रहा हूँ लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, जानबूझ के नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हैपेंथोडियम हमारे पास रहता है स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट, उसमें हमारे पास क्या होता है, अब फ्रूट होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, थैलेमस होता है, तो ओवरी होता है। हम बात किसकी कर रहे हैं, इन्फ्लोरेसेंस की ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ गलत हो जाता है, इन्फ्लोरेसेंस हमारे ऐसे एग्जाम्पल आ जाता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से देख सकते हो, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आए हुए कुछ क्वेश्चन, शुरुआत के तीन क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, बाकी क्वेश्चन तो एग्जाम में आए हुए हैं लेकिन वो पुराने क्वेश्चन है जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी से, तो पुराने एनसीईआरटी से होंगे, लेकिन आप लोगों को ये हमें जरूर देख लेना कि रेसमोस और साइमोस के बारे में पूरा डिटेल पढ़ के जाना है। जब हम ऑफलाइन क्लास करेंगे, मतलब ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ सॉरी, जब हम बोर्ड पे क्लास करेंगे तो हम टू द पॉइंट उसमें नोट डाउन करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है उसमें, ठीक है, तो उस चीज़ को हम नोट डाउन करेंगे। तो अभी हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और देखें जो शिक्षा जो है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।